And welcome to another section of our video lecture series. So today we're going to start about Coulomb's law. हम Coulomb law शुरू करेंगे. Coulomb law क्या है? तो सबसे पहले charges आपको पता है. Charges क्यों होते हैं? Due to removal or addition of electrons. और कल हमने पढ़ा था charging by induction or conduction previous lecture में. तो भी है Coulomb's law. अब देखिए प्लस वन में आपने पढ़े हैं फोर्सेस, उनमें से एक फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. और ये हम सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल. सपोज वी हैव टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2. Q1 चार्ज को डिनोट करते हैं, दूसरे चार्ज को डिनोट किया Q2 से. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर. अगर ये दोनों नेगेटिव हैं then also they will repel each other. और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है then they will attract each other. So like charges repel each other and unlike charges attract each other with a force, and that force is called electrostatic force. और electrostatic force का formula किसने दिया था? Coulomb ने, जो charge की unit में अपने. तो next topic है अपना Coulomb's law, जैसे plus one में था Newton law. So actually Coulomb law is to find electrostatic force between two charges. Okay, so we start with the Coulomb's law. Suppose we have two charges, this is Q1, this is Q2. Okay, and they are separated by a distance say r. Okay, so Q1 Q2 are charges and r is separation between them, and f is what? Electrostatic force between them. Electrostatic force. So what is Coulomb law? According to Coulomb law, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Coulomb law. According to Coulomb law, electrostatic force between them is directly proportional to product of charges. ये दोनों charges की product के क्या है? Directly proportional means, अगर आपको directly proportional का मतलब नहीं पता है, directly proportional क्या होता है कि अगर charges ज़्यादा होंगे तो force भी ज़्यादा होगा, इनकी product ज़्यादा होगी. And this is inversely proportional to square of distance between them. Means अगर distance ज़्यादा होगी तो force कम होगा. So Coulomb law यहीं ख़त्म हो जाता है कि force is directly proportional to Q1, Q2, i.e. this product of charges, and inversely proportional to square distance between them. हमें पता है proportionality आने के लिए हमें कोई constant लगाना पड़ता है. That constant is 1/4 pi ε0. Q1, Q2 तो पढ़ा ही था इधर. से दिस इज इक्वेशन नंबर वन. देखिए फोर्स Q1 Q2 चार्जेस आर डिस्टेंस 4 pi का भी आपको पता है. दिस एप्सिलॉन नॉट इज न्यू टर्म फॉर यू. दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और यू कैन से फ्री स्पेस. एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब ये एप्सिलॉन क्या है ये भी आपको आगे पता चलेगा. पहले इसकी यूनिट और इसकी वैल्यू देखो. अब मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूँ. नॉट का मतलब है वैक्यूम. तो होता क्या है प्रैक्टिकली यू विल गॉट टू नो, पर पहले इसकी यूनिट देखो. यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. देखो फोर्स की यूनिट क्या है? फ्रॉम वन. मैं इक्वेशन वन से लिख रहा हूँ. कैसे निकालते कैसे हैं? फ्रॉम वन देखो फोर्स के क्या है? न्यूटन. 1/4 pi के होते ही नहीं है. एप्सिलॉन नॉट के हमें पता ही नहीं है. चार्ज के कूलम, दूसरे चार्ज के कूलम, और डिस्टेंस के मीटर, तो ऊपर स्केयर है. तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या आएंगे? ध्यान से देखो. यहाँ से एप्सिलॉन को इधर, न्यूटन को इधर लाओगे तो ये आएंगे कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर. और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻². सो जस्ट कीप इन माइंड, डोंट वरी, जो CBSE स्टूडेंट है आपको ये पेपर में गिवन भी आएगी, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज जस्ट कीप इन माइंड. एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 × 10⁻², कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर. ओके, सो अब हमें एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की. इसको आप के भी लिख सकते हैं. और इसकी वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट की आपको अभी बताई, 4 pi की आपको पता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹. अब इसके यूनिट क्या होंगे? देखो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या थे? एप्सिलॉन नॉट के यूनिट थे कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर. तो इसके यूनिट 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के. अब एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएंगे, दैट विल बी
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड कीप इन माइंड आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की जरूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। और इसको आप के लिखेंगे नेक्स्ट टाइम, सो दैट विल बी 9×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। सो जस्ट ट्राई है स्मॉल न्यूमेरिकल। अभी आप एक स्मॉल न्यूमेरिकल देखते हैं, तो अभी फोर्स Q1 कितना है 1 कूलम, Q2 से 1 कूलम, दोनों को हम 1 कूलम ले लेते हैं। एंड सपोज दे आर कैप्ट जस्ट 10 मीटर अपार्ट, सो R विल बी 10 मीटर। आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई एक सपोज एक बिल्डिंग है, ये कोई दूसरी बिल्डिंग है, और उनमें सेपरेशन कितनी है 10 मीटर, और इस पर भी चार्ज है 1 कूलम, इस पर भी चार्ज है 1 कूलम। तो हम इनमें फोर्स निकाल के देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है जो कूलम ने दिया था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज के हियर, मैं फिर बता दूं, के है 1/4 epsilon naught, इट्स वैल्यू इज 9×10⁻⁹। तो ये देखो फोर्स कितना होगा, के की वैल्यू 9×10⁻⁹। Q1 कितना है 1, Q2 भी 1, और दे आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर, सब ऐसे यूनिट है। तो इसको सॉल्व करोगे तो फोर्स आएगा 9×10⁻⁷ न्यूटन, आई मीन 900, उसके आगे इंटू 5, मैं आपको इंडियन लैंग्वेज में बता देता हूँ, तो 900 lakhs न्यूटन। ओके, यू कैन इमेजिन द फोर्स, कितना ज़्यादा फोर्स है ये। अब देखो ये इतना ज़्यादा फोर्स है कि ये दोनों बिल्डिंग, अगर आप सच में ऐसा करो दो बिल्डिंग पे 1 कूलम चार्ज रख दो 10 मीटर अपार्ट हो, तो ये बिल्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कोलैप्स हो जाएंगी, इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। सो मेरा पॉइंट क्या है आपको समझाने का, कि 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आप न्यूमेरिकल करके देखना, सारे होंगे माइक्रो कूलम में, दैट इज 10⁻⁶ कूलम, या फिर नैनो कूलम में 10⁻⁹ कूलम। जैसे आपको क्वांटल बहुत बड़ी यूनिट लगती है चार्ज की, तो अभी और केजी आपको छोटी लगती है, तो सेम 1 कूलम इज प्रैक्टिकली वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। दो बंदे कभी भी 1 कूलम चार्ज लेके एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, अदरवाइज दे विल फ्लाई अवे, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/4 epsilon naught Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और नेक्स्ट टाइम इसको आप के लिख देंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू 9×10⁻⁹ यूनिट आपको बता दी थी। ओके, सो दिस इज कूलम लॉ। नेक्स्ट इज एप्सिलॉन नॉट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ओके, अगेन सपोज वी हैव टू चार्जेस, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r, सो व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन देम। सपोज दिस इज केप्ट इन एयर, एयर एंड वैक्यूम ऑलमोस्ट एक ही बात ले सकते हैं हम एज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंसर्न। तो एफ नॉट क्या होगा, एक मिनट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 epsilon naught Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ नॉट लगा देता हूँ, एंड व्हाट इज नॉट, नॉट मीन्स फोर्स इन वैक्यूम, और यू कैन से इन एयर, और यू कैन से इन फ्री स्पेस। तो ये चार्जेस कहाँ पड़े हैं, एयर में पड़े हैं, और उनमें फोर्स कितना है 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ सपोज हमने ये किसी मीडियम में डाल दिए चार्जेस, सपोज पानी में डाल दिए, इन वाटर में पानी पी कर लिया उसमें डाल दिए, तो अब फोर्स इन मीडियम कितना होगा, 1/ देखो Q1 Q2 वही है, सेपरेशन आपने नहीं बदली है, 4π तो कॉन्स्टेंट है, तो अब मीडियम रखने से क्या बदल जाएगा, परमिटिविटी। अब आएगा एप्सिलॉन m। नाउ व्हाट इज Fm, लेट मी टेल यू, Fm इज फोर्स इन मीडियम, जो भी वो मीडियम है। ओके, और एप्सिलॉन m क्या है, एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसको ध्यान से समझो, इस शब्द को, इस वर्ड को, परमिटिविटी वर्ड एक्चुअली निकला है किससे, परमिशन से। कोई मीडियम कितनी परमिशन दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पास होने की, ये उसको कैरेक्टराइज करता है एप्सिलॉन। तो अगर चार्जेस एयर में पड़े हैं, वैक्यूम में पड़े हैं, तो उसकी परमिटिविटी आएगी।
अगर किसी मीडियम में पढ़ें तो उसकी परमिटिविटी आएगी, अगर पानी में पढ़ें तो पानी की परमिटिविटी आएगी, तो जिस भी मीडियम में पढ़ें उसकी परमिटिविटी आएगी। एंड डोंट वरी, इसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी ज़्यादा, हमें ज़्यादातर डील करना है विद वैक्यूम ओनली, बट स्टिल ये एप्सिलॉन है क्या वह आपको समझ में आना चाहिए। देखो, न्यूटन लॉ आपने प्लस वन में पढ़ा था, वो क्या था, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, जी एम वन एम टू बाय आर स्केयर। अब ये दोनों मासी चाहे पानी में पड़े हैं, वेदर दे आर कैप्ट इन एयर, वाटर और समथिंग एल्स, ये फोर्स नहीं बदलता था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो मासीज में चाहे एयर हो चाहे पानी हो कुछ भी हो, फोर्स उतना रहेगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक को बहुत फर्क पड़ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो अगर वो एयर में है तो एयर की परमिटिविटी आएगी, अगर वो पानी में तो पानी की आएगी, जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी आएगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए अभी कि परमिटिविटी क्या होती है, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हाउ मीडियम उसको चेंज कर देता है, उसको वो करेक्टराइज करती है। तो अभी अपने पास दो इक्वेशन है, देखो ये फोर्स इन एयर, ये फोर्स इन मीडियम। मैं इक्वेशन वन को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन टू से, एक नया रिलेशन आने वाला अपने पास। तो सपोज हमने एफ नॉट को डिवाइड कर दिया एफ एम से, देखो क्या आएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्केयर। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा, दिस विल बी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एम क्यू वन क्यू टू बाय आर स्केयर। ये टर्म इससे कैंसिल होने वाली है, फोर पाई इससे कैंसिल होने वाला है, तो एफ नॉट बाय एफ एम किसके इक्वल आने वाला है, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्सेस का रेशियो परमिटिविटीज के रेशियो के इक्वल होता है। अब इस टर्म को एक नई टर्म हम नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अब मैं रिलेटिव परमिटिविटी थोड़ी आपको बता दूं, अगर कोई कहे आपको डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी तो आपको कैसे डिफाइन करनी है, ये एक रिलेशन आ गया अपने पास, इसको भी ध्यान में रखना। अभी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है इसको सीखो सिर्फ आप, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए आपने रिलेटिव वर्ड इससे पहले कहाँ पढ़ा है, इससे पहले आपने रिलेटिव वर्ड रिलेटिव डेंसिटी में पढ़ा था। रिलेटिव डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी होती थी डेंसिटी ऑफ मीडियम बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अभी रिलेटिव परमिटिविटी अगर कोई आपको डिफाइन करने को कहता है तो होती क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। तो एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी आप निकालो किसकी, वाटर की, H2O। तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ वाटर बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिटलेस, क्योंकि परमिटिविटी बाय परमिटिविटी या फोर्स अपॉन फोर्स क्या आने वाला है, यूनिटलेस। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसके कोई यूनिट नहीं होते, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हम रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की निकालते हैं, वैक्यूम की एप्सिलॉन आर हम निकाल रहे हैं, तो नीचे तो आनी वैक्यूम की है। अब जैसे पानी की निकाल रहे थे तो ऊपर पानी आया था, वैक्यूम की निकाल रहे थे ऊपर वैक्यूम की आएगी। तो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, वन। जैसे रिलेटिव डेंसिटी वाटर की क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, वन। तो सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज वन। बाकी किसी भी मीडियम की आपको निकालनी है तो ऐसे निकलेगी। फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 80, कई बुक्स में 81 भी लिखा होगा, आप 80 लेके इसको चल सकते हो। सो परमिटिविटी एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फोर्स इन फ्री स्पेस इज से 160 न्यूटन। फोर्स इन वाटर आपको निकालने को कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की मैंने आपको बताई कितनी है, 80। ओके, तो ये वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी है। अब ये फॉर्मूला देखो, अभी जो किया था, फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन फ्री स्पेस कितना दिया मैंने आपको, 160 वाटर में आपको निकालना है, और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 80। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो फोर्स इन वाटर क्या आएगा, 2 न्यूटन ओनली। थिंक अबाउट, जो फोर्स एयर में 160 न्यूटन था, पानी में वो सिर्फ कितना हो गया, 2 न्यूटन। तो अब आप देखो कि परमिटिविटी कितना इफेक्ट डाल देती है। पानी की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या 80 टाइम्स है। सो दैट ये पानी फोर्स को कितना रिड्यूस कर देता है, 80 टाइम। अब देखो केमिस्ट्री आपने पढ़ा है कि NaCl ये एयर में है,
पानी में डालते ये क्या हो जाता है, एन ए पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं। क्यों सेपरेट हो जाते हैं? क्योंकि जितना फोर्स एन ए सी एल, ये क्यू वन है ये क्यू टू है, जितना फोर्स इनमें था एयर में, पानी में, वो 80 टाइम्स रिड्यूस हो गए। ओके, सो थिंक अबाउट कि परमिटिविटीज का कितना फर्क पड़ता होगा। पानी फोर्स को, जितना भी दो चार्जेज में फोर्स होता है, अगर आप उनको पानी में रखते हो तो फोर्स 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ओके, गॉट इट? सो दिस इज परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। मैं थोड़ा रिकैप आपको देता हूँ। व्हाट इज कूलम्स लॉ? फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। एक फॉर्मूला हमने अभी किया है कि फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन ए मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की क्या होती है, उस मीडियम की परमिटिविटी बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये उस मीडियम के दो टर्म्स हैं, प्लीज समझिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वाटर की परमिटिविटी कितनी है? वाटर की परमिटिविटी है 80 × 8.85 × 10^-12 और उसके यूनिट क्या हैं, कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। और पानी की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? पानी की रिलेटिव परमिटिविटी सिर्फ कितनी है, 80, एंड इट इज यूनिटलेस। समझ में आया? अब आपको ऐसे वैक्यूम का एग्जांपल देता हूँ। वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी है, 8.85 × 10^-12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितनी है, 1, इट्स यूनिटलेस। तो अभी इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल हैं बहुत सारे जो हम अगले सेक्शन में करेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी पे भी न्यूमेरिकल हैं। तो अभी इस लेक्चर के बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए कि कूलम्स लॉ क्या है, उसमें परमिटिविटी जो नई चीज़ आई है वो क्या है, उसके यूनिट क्या हैं, एंड देन रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। और एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल दो मैंने करवाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन एज यूजल माई नंबर इज 999-6357485। इस वीडियो में जो लिंक है, दैट यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय।